दिल्ली सरकार ने ऑटो फ्यूल पर लगने वाला वैट बढ़ा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया, जबकि डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया। सरकार के फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। सरकार पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाती है, इसके चलते पेट्रोल और डीजल अपनी सही कीमत की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा महंगा बिकता है। पेट्रोल पर कितना टैक्स वसूलती है सरकार? पेट्रोल डीजल की असल कीमत विभिन्न तरह के टैक्स लगने के बाद दोगुनी से ज्यादा हो जाती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार 5 मई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का आधार मूल्य 27.96 रुपए था, जो कि विभिन्न टैक्स लगने पर 71.26 रुपए हो गया। इसमें भाड़ा और अन्य खर्च का 0.32 रुपए के साथ तेल कंपनी डीलर को 28.28 रुपए, एक्साइज ड्यूटी और वैट शामिल नहीं है, ये चार्ज करती है। इसमें एक्साइज ड्यूटी का 22.98 रुपए, डीलर के कमीशन का औसत 3.56 रुपए, वैट डीलर कमिश्नर पर वैट के साथ का 16.44 रुपए शामिल है। डीजल पर भी है भारी टैक्स। IOCL की वेबसाइट के अनुसार 5 मई 2020 की स्थिति में दिल्ली में डीजल का आधार मूल्य 31.49 रुपए था, जो कि विभिन्न टैक्स लगने के बाद 69.39 रुपए हो गया। इसमें भाड़ा और अन्य खर्च के 0.25 रुपए, एक्साइज ड्यूटी के 18.83 रुपए, डीलर के कमीशन के साथ 2.52 रुपए और वैट 16.26 रुपए शामिल है। इन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री से सरकार को बड़ी कमाई होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाती है। पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई को सरकार सामाजिक कार्यों पर खर्च करती है। लॉकडाउन के चलते पेट्रोल डीजल की बिक्री थमसी गई है। बिक्री में गिरावट से सरकार की आमदनी घट गई। इसलिए नागालैंड, असम, मेघालय ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की। इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों पर सेस में बढ़ोतरी की गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।